फिर स्टोरेज वाली दिक्कत आ जाती है, 80 90 GB, 100 100 GB कौन स्टोर करेगा फोन में, हैंग हो जाएगा फोन। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आई नो हर बार मैं ये बोलता हूँ, आई नो, लेकिन असल में थोड़ी तबीयत ख़राब थी मेरी, और उसके बाद से मैंने बैकअप किया है। तो अभी फ़िलहाल मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ड्राइंग्स वीडियो भी आएंगी, और जैसे कि मैं एक बार और बोला था आप लोग से कि मतलब जैसे ना कि ड्राइंग वाली जो हाइपर वाले ड्राइंग में वीडियो बनाता हूँ वो ज़्यादा लेंथ बड़ी हो जाती है, फिर स्टोरेज वाली दिक्कत आ जाती है, 80 90 GB, 100 100 GB कौन स्टोर करेगा फ़ोन में, हैंग हो जाएगा फ़ोन। तो मैं सोच रहा था ना कुछ क्लिप्स जैसे होता है थोड़े बहुत टाइम लैप्स करके, पूरी ड्राइंग नहीं थोड़े थोड़े क्लिप्स करके पूरी आपको वीडियो में दिखाऊँ और थोड़ा ब्लॉग टाइप का रखूँ। अभी फ़िलहाल रात के 10:30 हो रहे हैं और मैं अभी इस पर काम करने वाला हूँ, इसको इस पे बनाने वाला हूँ। सो इस पे भी आउटलाइन करेंगे और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब उठूँगा ऑलमोस्ट 3 बजे तक ये कंप्लीट हो जाएगा, अभी 10:30 हो रहे हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग 11:30 बजे तक उठूँगा और फिर थोड़े पढ़ाई वढ़ाई करके फिर इस पे लगेंगे, इस वाले प्रोजेक्ट पे। तो बीच बीच में ड्राइंग भी आते रहेंगे, मतलब देखो इस वाले वीडियो में ब्लॉग टाइप का रहेगा, देखो कुछ चीज़ें दिखाऊंगा फिर ड्राइंग क्लिप्स दिखाऊंगा, वैसे अच्छा भी लगता है। और फिलहाल यहाँ पे ठंडी थोड़ी ज़्यादा पड़ रही है इसलिए मैंने इतना सेफ्टी रखा है। ऑलमोस्ट अभी ड्राइंग 85% तक, ड्राइंग में मतलब यार आउटलाइन 85% तक कंप्लीट हो गई और मैं 11 बजे से बैठा और अभी देख सकते हैं टाइम 2:24। तो मतलब यार आउटलाइन बनाने में इतना टाइम लगता है और आप लोग कमेंट या फिर कोई भी बोल देता है यार मेरी ड्राइंग बना दो यार। एक सीक्रेट बताता हूँ, एक सीक्रेट बात, मेरे यहाँ ना मेरे घर पे ना पेंसिल पैसे पेड़ पे उगते हैं, मजाक कर रहा हूँ यार। ये देख लो आउटलाइन इतना कंप्लीट हुआ है, बहुत डीप है, मतलब वही हाइपर इलास्टिक वाला तो टाइम लग रहा है, अगर नॉर्मल होता तो 2 घंटे लग जाते बस, लेकिन अभी 3 घंटे हो गए पूरे, अभी थोड़ा सा इधर यहाँ पे और यहाँ पे बचा हुआ है। अब सीधे मिलेंगे सुबह उठने के बाद, अभी तो काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है, हाथ एकदम सुन टाइप का हो गया। तो अब जा रहा हूँ मैं थोड़ा सा कंप्लीट करके 15-20 मिनट में सोने और मिलते हैं सुबह। हेलो फ्रेंड्स, अभी जस्ट मतलब मैं उठ के फ्रेश होके आ रहा हूँ और अभी सुबह के 12 बजने वाले हैं। आई नो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है बोलने में, लेकिन सुबह में ही तो सोया था मैं, तो कम से कम 7-6 घंटे तो सोऊंगा ही, सोने में नो कॉम्प्रोमाइज़। और अभी ब्रेकफास्ट में मेरे पास ये है, ऑरेंजेस है, तो अभी ये खाएंगे और थोड़ा बहुत क्लास करेंगे और फिर उसके बाद से ड्राइंग पे काम शुरू करेंगे। तो टाइम लैप्स देख लेना, ड्राइंग वाला छोड़े क्लिप्स दिखा दूंगा मैं, तो मिलते हैं फिर। हे एवरीवन, दिस इज़ द नेक्स्ट डे और आज मैंने ड्राइंग में लगभग 50% मैंने कंप्लीट कर लिया, अब डिटेलिंग बाकी है वो भी नीचे वाले पोर्शन की। तो आप लोगों ने टाइम लैप्स देखा और कुछ खास क्लिप्स देखे, टाइम लैप्स में एक गलती हुई मेरे से यार, मैंने ना टाइम लैप्स में सिर्फ आप लोग को ये वाला पोर्शन बना हुआ दिखा होगा, हालांकि मैंने लगाया था टाइम लैप्स इसलिए क्योंकि मैं ये वाला पोर्शन और इसके साथ साथ जो हेयर्स बनाई इस ड्राइंग की वो भी दिखा सकूं, लेकिन बाय द डिफॉल्ट ऑफ दिस मोबाइल इसमें कुछ सिस्टम है, 1 घंटे बाद टाइम लैप्स अपने आप बंद हो जाता है। तो मुझे नहीं पता था, मुझे लगा हो रहा होगा, मैं एकदम ड्राइंग में एकदम मगन हो गया हेडफोन्स लगा के गाना सुनते हुए, लेकिन मैंने बाद में जब वीडियो देखी तो मुझे पता चला वो बहन की आँख इसमें तो हुआ ही नहीं है, दिक्कत वही थी। तो अभी ड्राइंग देख सकते हो इतना कंप्लीट देख सकते हो, ये जो हेयर वाला पोर्शन है ना ये भी मैं दिखाना चाहता था,
एक सेकंड, क्वालिटी नहीं आ रही है, लाइट जलाते हैं थोड़ी सी। हाँ अब ये जो ड्राइंग की क्वालिटी आ रही है ना भाई साहब, मस्त लग रही है एकदम। इसमें थोड़ी सी और डिटेलिंग बाकी है फेस पे, और ये नीचे वाला पोर्शन बनाना है। ये देख सकते हो ये जो आइज वाली क्वालिटी आ रही है ना भाई साहब, कसम से बता रहा हूँ, मजा आ रहा है देख के। अगर इस टाइप से ड्राइंग बनाना है ना, तो आप जितना टाइम लगा, जितना टाइम लगा सो, कुछ 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, उतना ही क्वालिटी मिलेगी, बस यही फर्क। फिलहाल अभी मेरे पास ये है एग वाइट विथ वेजीज, क्योंकि मैं आजकल यही सब खाता हूँ बस। वो अभी मुझे एक और शूट भी करना है, कुछ 25 से 26 को एक वीडियो आएगी, जो मैंने काफ़ी दिनों से सोच रखी थी, जिसके बारे में मैंने बहुत पहले बताया भी था इंस्टा पे। तो उसके लिए मुझे कुछ शूट्स करने हैं, तो उसके लिए मुझे अभी थोड़े लड़के ढूंढने पड़ेंगे जो मेरी वीडियो शूट कर दे। आप समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, मुझे पता है आप समझ रहे हैं। थोड़ी चापलूसी करनी पड़ेगी, लेकिन शूट करना है तो लड़के ढूंढने पड़ेंगे। तो फिलहाल मैं शूट के बाद टाइम लैप्स के लिए मिलता हूँ, ड्राइंग वाले टाइम लैप्स। ए व्हाट्सअप, अभी हमारा वीडियो शूट हो गया है, और हमारे साथ है ये जिंदाल चड्डा साहब, अपना नाम बताइए। दीनदयाल उपाध्याय। हाँ उपाध्याय जी, हमारे वीडियो थोड़ा बनाए और हमें काफी अच्छा लगा। अभी शूटिंग हो चुकी है, और मैं अब इस वाले जो ड्राइंग है ना, दिख रहा है, इसकी मैं टाइम लैप्स बनाता हूँ और आप सभी को दिखाता हूँ। हे एवरीवन, दिस इज द थर्ड डे, और अभी अभी मुझे कुछ थोड़ा सा काम है, तो मैं जाके आता हूँ और उसके बाद से वीडियो शूट करता हूँ। लगभग मात्र 10% और काम बचा हुआ है, जो कि मैं काम करके आऊँगा, उसके बाद शूट करूँगा। आपको दिखाता हूँ कितना, एकदम थोड़ा सा काम बचा हुआ है, देख सकते हैं इधर वाला, बस ये साइड वाला जो पोर्शन है, 10% मात्र और काम है। तो इसको आके हम थोड़ा मार्केट जाना है, वहाँ से आके और उसके बाद से हम इसको कंप्लीट करते हैं। हे फ्रेंड्स, 3 दिनों बाद मैं ये बोल सकता हूँ कि ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है, और ये वर्ड बोलने में काफी सुकून मिलता है। और सही बता रहा हूँ तो अभी काफी अच्छा फील हो रहा है। ऑलमोस्ट मैं 3 दिनों में लगभग इस वाले ड्राइंग में मैंने 18 घंटे तक लगा दिए हैं, हाँ आउटलाइन मिला के, सब कुछ मिला के। तो कंटिन्यूअस काम करने में मज़ा नहीं आता है, थोड़ा डे बाई डे करता हूँ हल्का फुल्का, तो वैसे मज़ा भी आता है। और अभी ड्राइंग पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है, तो देखने में भी काफी अच्छा लग रहा है, रियलिस्टिक है, और आप अभी ड्राइंग देख सकते हैं। तो ऊपर से लेकर पूरा नीचे तक इसमें हाइलाइट्स है, डिटेलिंग है, ये छोटी छोटी डिटेल्स आप देख सकते हैं। और इसमें काफी समय लगा मुझे, देखो ज्यादा समय किस पोर्शन में लगा,
इस वाले आईज में ज्यादा टाइम लगा, हेयर्स में और कपड़ों में सबसे ज्यादा टाइम लगा, क्योंकि देख रहे हो डिटेलिंग कितनी है, एक एक पोर्शन अलग अलग टाइप से बनाया गया है, तो काफी टाइम लगा। और आप इसका सिनेमैटिक एंजॉय कीजिए थोड़ा सा, और उसके बाद वीडियो एंड करते हैं।